तमिलनाडु में सनातन विरोधी बयानों की मानो बाढ़ आई हुई है। सत्ताधारी डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे भी हैं, सनातन उन्मूलन के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुन चुके हैं। इसके बाद उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता ए राजा ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते बोलते भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी कर दी। इस बीच बीजेपी की तरफ से अकेले मोर्चा संभाला हुआ है तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने। के अन्नामलाई राज्य की सारी विधानसभा सीटों की पैदल यात्रा कर चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी जब तमिलनाडु पहुंचे थे तो उन्होंने भी अन्नामलाई की खूब तारीफ की थी। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मण एन मक्कल यात्रा को जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। साथियों, एन मण एन मक्कल ये यात्रा अपने नाम की वजह से भी बेहद खास रही है। हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए इस मिट्टी का कण कण ईश्वर के समान है। हर भाजपा कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ समाज की सेवा में जुटा है। मैंने भी देखा है कैसे समाज के हर एक वर्ग ने इस यात्रा के दौरान बीजेपी के लिए अपना समर्थन अपना आशीर्वाद दिया है। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस यात्रा से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये मंत्र घर घर तक पहुंचाया है। इस बीच अन्नामलाई लोकसभा चुनावों में डीएमके को तगड़ा झटका देने की तैयारी में। अन्नामलाई ने मीडिया के सामने आकर डीएमके नेताओं के बयानों पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी। साथ ही पार्टी मीटिंग कर लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर भी चर्चा की। के अन्नामलाई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां वो बीजेपी आलाकमान के साथ तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि पूर्व आईपीएस अफसर रहे के अन्नामलाई को पीएम मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहद पसंद करते हैं। इस बात का अंदाजा इसी तथ्य से लगा लीजिए कि के अन्नामलाई को पार्टी अध्यक्ष से हटाने की जिद करने वाले सहयोगी दल एआईडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन अन्नामलाई पर कार्रवाई नहीं की। इस बीच मीडिया के सामने अन्नामलाई ने डीएमके नेताओं के हिंदू विरोधी बयानों पर क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। Now you believe since you have the power in hand and you are brazen enough to say we want to eradicate, it only shows what is the level of mindset they have and the kind of intelligence they have in their mind. Now Mr. Udayanidhi Stalin and all the DMK people have to understand, Mughals tried, they couldn't do it. East India Company tried, they couldn't do it. The Christian missionaries who came only to southern part of India, specifically to Tirunelveli, to parts of Kanchipuram, Chennai, they tried their best in the late 1800s, they couldn't abolish it. Who's Udayanidhi Stalin to abolish Sanatana Dharma? It can never be abolished. And it only shows this government is essentially anti-Hindu. DMK government has got a visceral hatred for Hindu. बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार कभी नहीं रहा है। ऐसे में के अन्नामलाई बीजेपी के लिए उम्मीद का चेहरा बनकर उभरे हैं। अन्नामलाई का युवा और पढ़ा लिखा होना उनके पक्ष में जाता है। वे तमिलनाडु के मूल निवासी हैं और अपनी राजनीतिक यात्रा में अब एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुके हैं कि तमिलनाडु में वो हर घर में पहचाने जाने वाले नाम बन चुके हैं। अब डीएमके के हिंदू विरोधी रुख को भी अन्नामलाई ने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अन्नामलाई दावा कर चुके हैं कि तमिलनाडु से बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। अगर तमिलनाडु में के अन्नामलाई ने वाकई कमल खिला दिया
तो यह तय मानिए कि आने वाले दिनों में इस नेता का नाम तमिलनाडु और देश के लोग बार बार सुनते रहेंगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।